बढ़ेंगे लखनऊ से, एक बड़ी खबर मिल रही है। माध्यमिक शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। प्रमोशन के लिए देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा बताना होगा। 30 जून तक पोर्टल पर दर्ज कराना होगा ब्यौरा, मानव संपदा पोर्टल पर ब्यौरा दर्ज कराना होगा। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। माध्यमिक शिक्षकों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। प्रमोशन के लिए संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, चल अचल संपत्ति के बारे में बताना होगा और 30 जून तक पोर्टल पर दर्ज भी करना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर अपना जो पूरा का पूरा ब्यौरा है वो दर्ज करना होगा। गुफरान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुफरान का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। गुफरान, अगर आप शिक्षकों को प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए जो उनकी संपत्ति है उसका पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो पहले देना होगा, उसके बाद ही प्रमोशन मिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए ये अहम जो फैसला है वो विभाग की तरफ से लिया गया है और सीधे तौर पर जो शिक्षक हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में प्रमोशन पाना चाहते हैं उनको अपनी जो संपत्तियां हैं, जो भी उनके एक तरीके से पूरा बैकग्राउंड है आर्थिक तौर पे, उसकी जो जानकारी है वो एक तरीके से सार्वजनिक करनी होगी और इसी के लिए ये जो विभाग है उसमें ये जो नियम है एक तरीके से कह सकते हैं जो लागू करने का जो फैसला है वो लिया है और इससे अब प्रमोशन पाने वाले जो शिक्षक हैं जो प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके साथ ये जो प्रक्रिया है वो लागू होगी। प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद ही उनको प्रमोशन जो है वो मिलेगा। जी ठीक है गुफरान, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।